So guys, finally किसी बड़े यूट्यूबर ने इस बदोबदी सॉन्ग को रोस्ट कर दिया। भाई पर्सनल लेवल पे बताऊं, वैसे तो मैं रील्स बहुत ज्यादा देखता हूं और 80% रील्स तो भाई अश्लील ही आती है, 10% वो सौरभ जोशी वाली अम्मा की आती है, 5% वो ई स्निपेट वाली की आती है और 5% मेरे को बिल्लियों वाली आती है। बट भाई सच में वो 80% वाली जो रील्स होती है ना बदोबदी वाली, ओ भाई दिमाग खराब कर दिया था मेरा खुद का। मन तो कर रहा था भाई फोन तोड़ दूं, मुंह में अटक गया था मेरे जैसे वो मोए मोए था। भाई हर साल कोई नया ट्रेंड आता है एंड अनफॉर्चुनेटली ये साल बदोबदी निकला। भाई ट्रिगर्ड इंसान ने इस पे रोस्ट वीडियो बनाया तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट ही होगा। वैसे ये वीडियो 11 मिनट की है, ठीक है, इतना बड़ा लेंथ नहीं है। तो भाई देखते हैं फटाफट से ये वीडियो कैसा है और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। डिस्क्लेमर गाइस, अगर आप लोग को कोई भी इंटरप्शन नहीं चाहिए वीडियो या गाने में तो प्लीज ओरिजिनल चैनल पे जाके पहले वीडियो या गाना सुनिए, क्योंकि ये वाली वीडियो में मैं बीच बीच में रोक के अपनी कमेंट्री करने वाला हूँ। अरे ये भैया तो इनके न्यू वाले विला में आते हैं ना काम करने के लिए, उनको भी ले लिया, क्या बात है भाई। ये तो भाई सबको मतलब सही है यार, क्या मौका मिला है। अबे फीचरिंग टेक्नो गेमर्स तो लिख देते भाई, जब उज्ज्वल को वीडियो में ले रहे हो तो ऊपर लिख देते ना फीचरिंग टेक्नो गेमर्स। अरे टेक्नो गेमर क्या कर रहा है यहाँ पे उज्ज्वल भाई, ये क्या काम धंधा ढूंढ लिया आपने गेमिंग क्यों छोड़ के। अरे मयंक भाई आज तो बड़े जोश में लगे हो एक्सरसाइज करने तोड़। मयंक, अबे उज्जवल नाम है ना टेक्नो गेमर्स का या कोई और ही है, मैं गलती से कहीं इसको टेक्नो गेमर्स तो नहीं समझ रहा हूँ। व्हाट भाई फेस बहुत मिलता है, तो क्या मानोगे क्या, गाना सुन के देखो जो पंप आएगा। अरे नहीं टेक्नो गेमर नहीं है भाई, सॉरी यार मेरे को लगा टेक्नो गेमर है भाई। ओ माय गॉड, कौन सा गाना है भाई। ये क्या बवासीर सुन रहे हो भाई, बहुत बढ़िया बदोबदी भाई। अरे बवासीर कर दी बदोबदी भाई, और क्या था कुल जा रहा है, क्या चल, क्या बात है भाई। वीडियो में सब्सक्राइबर को भी ले लिया भाई, यार कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है भाई। ये दोनों भाई सच में कमाल के हैं यार, मलहन फैमिली बदोबदी भैया। तू भी हाँ। अगर तेरा भी दिमाग हो गया है भाई। अरे भैया क्या बदोबदी, अरे क्या बदोबदी यार। अबे आई होप ये जर्मनी वाला ना हो, जर्मन शेफर्ड। नहीं 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 जोक से साइड छोड़ो भाई। अबे तुम भी पदोपति, क्या हो गया भाई इस दुनिया को, कुत्ते भी पदोपति। अभी भी वक्त है सुधर जा। ओए यार ये भी पदोपति वाला निकला बे। भैया जी एक ऑरेंज जूस दे दीजिए। पति पति भाई पदोपति है, पति पता नहीं है, अंकल जी भी कुछ भी बोल रहे हैं, बट ठीक है यार ओके। अभी वन टेक शॉट चलता ही है, नेचुरल तभी निकलता है। ये भी पति पति, अरे क्या चल रहे भाई, इतने सारे लोगों के बीच में ऐसा शूट करने में दम चाहिए, मैं तो ना कर पाऊँ, मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट हूँ भाई, मुझसे ना हो पाए भाई। भैया रैपिडो ओके, भैया घर छोड़ दो, चलो भाई। कितने रुपए हुए भैया? ओए होए बदोबदी, ओए होए। अरे भैया ये सच में गिरा है या एक्ट था भाई? ये बहुत रिस्की था गिरना, बिकॉज उसके बिल्कुल यहाँ पे वो मार्बल का वो लगा हुआ भाई, स्लैब सर्वर पे लग सकता था, बहुत रिस्की है भाई फ्लोर। निश्चय भैया फुकरा भैया, ऐसे तो एज में इन दोनों से बड़ा हूं मैं, बट ठीक है अपना वो ठीक करवाओ भाई, उसको थोड़ा ऐसा निशान वाला टाइल दिलवाओ जिसमें थोड़ा फ्रिक्शन बने, वरना कोई भी गिर जाएगा आते जाते, बारिशों में तो और सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए भाई मेरी वीडियो अगर देख रहे हो तो प्लीज वो टाइल चेंज करवाओ भाई, ग्रिप वाली टाइल रखो, जोर से लगी होगी यार। अबे मम्मी पापा के साथ भी दो मिनट। अरे क्या हो गया? क्या बोला आपने अभी? अंकल लड़ी हमारी बदोबदी। अब्बा।
अबे क्या प्रोडक्शन बढ़ गया है इस भाई का। अबे ये तो नॉर्मल कैमरे से जो रोड वाले माइक होते हैं वो भी लगा के शूट किया जाता है ना भाई। बजट में बूम लगा रखा है जो फिल्म मेकिंग में यूज होता है, बड़ी बड़ी बिग बजट मूवीज में बूम लगाया रहता, बूम लगा के शूट कर रहे हो, क्या बात है भाई। पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता भाई। अबू अबू अबे क्या यार, रुक जा भाई प्लीज, मेरी बात सुन ले। मेरे को नहीं पता मम्मी पापा को क्या हो गया भाई, पता नहीं अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे। दो मिनट रुक जा, मैं यहाँ पर रील बना रहा हूँ, रुक जा भाई। तेरे को रील बनाने की पड़ी हुई है, पूरी दुनिया को पता नहीं क्या हो चुका है, क्या क्या रील बना। रुक जा मेरे भाई, सबर कर ले, समझ नहीं आ रहा क्या है। दो मिनट भाई, तू 60 FPS पे लियो ठीक है। भाई अबू तुमसे तो ये मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी भाई, रियली भाई कुछ ज्यादा ही क्रिंज क्रिंज नहीं हो रहे हो जब से बिग बॉस से आए हो? इनडायरेक्टली मुझे हेट मत देना, मैं ऐसी मजाक कर रहा हूँ, बट ठीक है यार। बदोबदी बदोबदी बदोबदी, जिसे देखो बदोबदी बदोबदी, आखिर क्या है ये बदोबदी 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 बदोबदी। बस करो भाई, जादू आ जाएगा धरती पे, फिर तुम्हारे सर पे ऐसा हाथ फेरेगा वो, हाँ बता रहा हूँ, चश्मा भी उतर जाएगा, वैसे बॉडी भी बन जाएगी क्योंकि जिम तो जाता नहीं है। ये बात है कई साल पहले की, जब धरती पे एक ऐसी आवाज का जन्म हुआ जिससे सुनने से आज तक लोग डरते हैं। अबे ये तो आशीष भाई की आवाज है, आशीष चंचलानी, क्या बात है आशीष भाई। जी हाँ, एक ऐसी आवाज जिसके कारण डायनासोर्स की सारी प्रजाति का खात्मा हो गया। कहा जाता है कि ये आवाज ही नॉइस पॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह है। एक ऐसी आवाज जिसे सुन के लोगों को जियान की आवाज भी सुरीली लगने लग गई। ए भाई ये क्या, बीकेपी तो खुश हो जाएगी, बंटाएगी बबले, जियान में बच्चा को दिखा दिया। ओके भाई पता चल गया, ट्रिगर इंसान सीक्रेटली इस बंटाए फैन। और उस आवाज का नाम है बदोबदी बदोबदी। ये तो टट्टी है भाई, क्या है यार। What's up my friends, और I should say my dear बदोबदियंस। मार्केट में एक बहुत ही खतरनाक जहर फैल चुका है, एक बीमारी की तरह, और जब भी कोई बीमारी होगी तो डॉक्टर निश्चय आएंगे। कहाँ आएंगे, अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है। देखिए एक जमाना हुआ करता था जब लोग कहते थे इनसे मिलिए, ये है मशहूर गायक उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब। yes. जो सांस भी सुर में लेते हैं, जिनकी आवाज सुन के कोयल भी सोचती होगी मुझे थोड़ा सा रियाज कर लेना चाहिए। लेकिन नाउ वी हैव एन इवन बेटर वर्जन, द अपग्रेड, द ओजी, द गोटेस्ट ऑफ गोड, द ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेड, The greatest, ladies and gentlemen, please give it up for Ustad Chahat Fateh Ali Khan. Chahat Fateh Ali Khan. Hi hi, hi hi, hi hi, hi hi, hi hi. अपने इंस्टा बायो में सिंगर, म्यूजिशियन, सॉन्ग राइटर, एक्टर, डायरेक्टर डालने वाले चाहत साहब बहुत मल्टी टैलेंटेड है। नहीं मतलब टैलेंट तो चाहिए ही है, एक साथ इतनी सब चीजें खराब करने के लिए। मौका मिले कदी कदी। अनु मलिक जी भाई वो बेटी की उम्र की लड़की है भाई, जिसके साथ रोमांस हो रहा है, सही है भाई। और ये हेयर स्टाइल मस्त लगा मेरे को वैसे। ने जब चाहत फतेह अली खान का गाना सुनने के बाद बोला ना आग लगा देगा तू, आग लगा देगा, he basically meant लोगों के कानों में। अगर क्रिंज के मल्टीवर्स पे एक मूवी बनती तो चाहत साहब उसमें लीड रोल करते। ये गाना इतना एडिक्टिव है। एक सेकंड, द क्रिंजर्स में किस किस की फोटो है? अब बंदर को फिर से रोस्ट कर दिया भाई। सारा भाई जोगिंदर अभी तक फुद की जा रहा है भाई, सच में उसका अभी खत्म नहीं हुआ। ये गाना इतना एडिक्टिव है कि जब फिजिक्स वाला सर पूछते हैं क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, तो बच्चे बोलते हैं अच्छे लड़ी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी। ये गाना इतना ज्यादा एडिक्टिव है कि जब किसी की गर्लफ्रेंड सोच रही होती है he must be cheating on me, लड़का वहां सोच रहा होता है बदोबदी बदोबदी। और लिरिक्स के बारे में मैं वैसे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि ये एक बहुत ही पॉपुलर लेजेंडरी पंजाबी सॉन्ग है, बहुत सालों पहले आया था। पर चाहत फतेह अली खान साहब इतने ज्यादा आलसी है कि उन्होंने ओरिजिनल गाने के भी सिर्फ चार ही लिरिक्स उठाए हैं, बदोबदी, आंख लड़ी बदोबदी, आंख लड़ी कदो कदी, मौका मिले कभी कभी बदोबदी, फॉरवर्ड करा बदोबदी, और फॉरवर्ड करा इट्स ऑल बदोबदी, ही डिड नॉट इवन मेक द एफर्ट
इंपॉर्टेंट कि मैं गाना आगे सुन लूं ओरिजिनल वाला। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। ये गाना इतना ज्यादा एडिक्टिव है कि WHO कोविड के बाद इसको सबसे बड़ा पैंडेमिक डिक्लेयर कर चुका है। मतलब क्रिंज गानों के अगर सारे लेवल निकल जाते ना तो सबसे पहले बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, फिर उसके ऊपर काचा बादाम काचा काचा। मैंने बोला था ना भाई, हर साल एक नया गाना, एक ऐसा क्रिंज गाना वायरल होता है। मोए मोए भी आएगा शायद, देखते हैं। क्या बादाम, उसके ऊपर सेल्फी मैंने ले लिया। मोए मोए कैसे मिस कर दिया भाई, ये तो मेरे जुबान पे, सबके जुबान पे था। मोए मोए टॉप पे बदोबदी। यू नो, सजाए मौत की जगह अगर अपराधियों को लूप पे बदोबदी सुनाया जाए तो वो खुशी खुशी मौत स्वीकार कर लेंगे। अरे बंद करो नहीं जाता। लेकिन अगलों को नरक में फिर से बदोबदी सुनाया जाता और पीड़ित करने के लिए। और हमारे हैंडसम हंग चाहत फतेह अली खान साहब को छोड़िए, हमारी 10 रुपए देकर बुलाई गई फीमेल आर्टिस्ट को देखिए, जो यहाँ पर एक सीक्रेट मैसेज सेंड कर रही है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे 10 रुपए की लालच देके यहाँ पे बुलाया गया था, लेकिन अब टॉर्चर कर रहे हैं मुझे बदोबदी पे डांस करवा के। मेरे पिताजी नहीं, एक्चुअली दादाजी, एक्चुअली नहीं, 4444 फादर की उम्र के चाहत फतेह अली खान साहब, जो कि भगवान से भी भाई डायनासोर ही बोल देना, डायनासोर की एज का बोल दे भाई। 2-4 दिन ही छोटे होंगे। जब भगवान ने इस धरती पर उजाला किया था तो चाहत फतेह अली खान साहब वहां पर पेशाब कर रहे थे। उनके साथ जबरदस्ती इस वीडियो में मेरे को रखा गया, प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज हेल्प मी। और पूरी वीडियो ग्रीन स्क्रीन में शूट करने के बाद बैकग्राउंड में विंडोज XP के स्क्रीन सेवर लगा के चाहत फतेह अली खान साहब इज वेरी हैप्पी, इज एंजॉयिंग, ही फील्स उन्होंने कोई मास्टरपीस बना लिया, लेकिन उन बेचारों की भी कोई गलती नहीं है। हाय 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 होए होए होए। आई थिंक चाहत साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलना चाहिए, बिकॉज उन्होंने ऐसे एपिक लेजेंडरी सॉन्ग्स बनाए हैं लाइक बदोबदी एंड बदोबदी। ये वो जमाना है ना जहाँ पे पॉपुलर होने के लिए आपको बहुत ज्यादा टैलेंटेड या फिर बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, यू जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ, फिर आप चाहे कितने ही बड़े गधे क्यों ना हो, लोग आपको लॉर्ड का दर्जा तो दे ही देंगे। जब भी internet.com खोलो, ऑल आई सी इज बदोबदी 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 बदोबदी। सेम मेरा वही हाल था भाई, मैं पागल हो गया था गाना सुन सुन के भाई। बदोबदी 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 बदोबदी। Stop it, just stop it, I can't take it anymore. इतना बदोबदी सुन लिया अब तो मुझे लग रहा है मैं बदोबदी वाला अंकल बनता जा रहा हूँ। हुक्का हुक्का डिडी से हुक्का। अच्छा मौका, मैं बोला ये तो स्मोक नहीं करता, हुक्का। मौका मिले कदो कदी, अज नहीं किसी। ये क्या गा रहा हूँ मैं, ये भाई ऐसी हालत मोए मोए के टाइम पे हुई थी मेरी। अख लड़े कदो कदी, मौका मिले कदो कदी, बजी कदो कदी, बजी कदो कदी। अबे अबे ये क्या है, विंडोज XP। हाय हाय होए। ओके ही गॉट अ गर्ल फॉर दिस। बदोबदी, मौका मिले कदो कदी, अज नहीं किसे ने वेखी, कल दा करे कमाल बदोबदी। भाभी भाभी ये क्या है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, पता चले बहन ना निकले, बट नहीं आजकल पता चलता, बट आई डोंट नो। ओके ऑल राइट, क्योंकि व्लॉग में शादी की बातें होती ही रहती है ना। अभी कुछ साड़ी वाड़ी खरीद रही थी बैंगलोर में आंटी जी, बहू के लिए भी खरीदी हैं, अपने लिए भी खरीदी हैं। रिमेम्बर जिसने देखा होगा बैंगलोर, वो कुछ तेल वाला आदिवासी तेल का कुछ स्पॉन्सर था वो वीडियो, बट ठीक है भाई, अब देखा दिमाग तो उधर ही जाता है ना। आंटी जी नीचे से चप्पल उतार के मारो बेटे को, पूरा उतर जाएगा नशा। लड़ी कदो कदी, सब क्या देखना पड़ रहा है, मिले कदो कदी। यार क्या
पागलपन कर रखा है यार। ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या आप लोग के साथ भी हो रहा है? मेरी नजर से लड़की के ऊपर मेरी नजर ट्रिगर्ड इंसान पे जा ही नहीं रही है। ये भगवान ने क्या बनाया भाई? अगर लड़की म्यूजिक वीडियो में मूवी में आ जाए एज अ कोई भी कैरेक्टर हो कुछ भी पहना दो भाई नजर से लड़कियों पे जाती है लड़की। अब पता नहीं भगवान ने ऐसा गिफ्ट बनाया, पता नहीं भाई नजर मेरी ट्रिगर पे जा ही नहीं रही, दिख नहीं रहा अंकल और ट्रिगर बैठे लड़की को ही ताड़ रहा हूँ। सिंपिंग नहीं रुकनी चाहिए, सिंप करना चाहिए, थोड़ा दिल को शांति मिलती है। अब मेरे जैसे जो सिंगल लौंडे हैं जिनको कभी लड़की नहीं मिलती वो स्क्रीन में ही देख के दिल बहला लेते हैं भाई, क्या कर सकते हैं यार। अरे ओके हाय हाय होय होय हाय हाय। अरे हट यार, खेलने दो यार, बोल रहे हैं। अबे यार हट दो यार, खेलने दो ना, ये क्या है, क्या कर रहा है यार, हट जा। अरे धक्का मारो इन्हें यार, मारो। किससे में खेलने का मिले कदो कदी आज नहीं। अबे हट की आवाज किसे ने बेकी बदोबदी बदोबदी पागल हो चुका बदोबदी बदोबदी साइको अकलड़ी कदो कदी। अबे पागल हो गया क्या? बदोबदी अबे ठीक है तू मिले बदोबदी 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 चल चुका है, इसका भूत उतारना पड़ेगा, बदोबदी का भूत उतारना पड़ेगा। चप्पल से मारो, चप्पल से सोशलिज्म करो, उसके हाथ पकड़ो, सारे आओ जल्दी इसको पकड़ो भाई। गंदे जूते का सॉक्स उतार के सूंघा दो, अपना भूत भाग जाएगा भाई। मंत्र मारू मैं इस पे, अरिजीत सिंह अखड़े कदो कदी मंत्र मारो भाई साहब, आप भी आओ, मारो इसे, मारो मारो सर, बदो 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 अरिजीत सिंह, मारो अरिजीत सिंह। कमला का भूत घुस गया इसमें। बाय द वे गाइस, कमला का गेम प्ले जल्दी आने वाला है मेरे गेमिंग चैनल पे, मैंने ऐसे बोल दिया, थोड़ा अपना अभी तो प्रमोशन कर ले गेमिंग चैनल का। अरिजीत सिंह, केके और सोनू निगम, शान सबके साथ फेवरेट। लगता है इसके ऊपर से भूत उतर गया, अभी ठीक हो गया हूँ। जय अरिजीत सिंह बाबा की। अबे फिर चढ़ गया। हाय हाय ओए होए बदो बदी क्या था भाई ये? अच्छा ब्लूपर सच में गिरा है भाई ये, चोट लगने की सच में लग गई, हो गया बदो बदी, सच का बदो बदी हो गया। अच्छा हुआ हाथ के बल गिरा, शोल्डर के बल नहीं गिरा ना सर के। चलो भाई भगवान का अच्छा मतलब दुआ है भाई। सच में मैं रोने की एक्टिंग कर रहा था, एक्टिंग में मेरा रोना निकल गया। ओके गाइस, जैसे मैं सोचा वीडियो बिल्कुल उतने ही मस्त लेवल की है, क्योंकि जब जब ऐसा कुछ ट्रेंड आता है, जो ट्रेंड पे जब ट्रिगर इंसान कुछ वीडियो बनाता है ना वो जबरदस्त होती है। अब देखो कॉन्ट्रोवर्सीज तो ये साल चल ही रही है, इसमें पुनीत और जोगिंदर को भी खींच लिया, और खींचना भी चाहिए क्योंकि उन दोनों का और कुछ काम नहीं है। उन दोनों ने टीम अप कर लिया है एक तरीके की, कुछ भी फालतूगिरी करते रहते हैं और दोनों एक दूसरे के रील्स में कमेंट करते रहते हैं, जोगिंदर और पुनीत सुपरस्टार। एक गटर में जाके लेटता है, दूसरा सच में गटर ही है। एनीवेज गाइस, उन दोनों का तो छोड़ो भाई, इस वीडियो को प्रॉपर 5 स्टार में से 5 स्टार देता हूं मैं। अपना ओपिनियन प्लीज मुझे बता देना, अगर आप लोग भी परेशान हो गए होगे बदो बदी से तो प्लीज वो भी कमेंट करके बताना। और हाँ, मेरा गेमिंग चैनल भी है यार, 5000 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे, कब से मेहनत कर रहा हूं गाइस। और हाँ, कमला का भी गेम प्ले वीडियो आएगा, मैं हर टाइप की उसमें गेम खेलता हूँ, सब्सक्राइबर्स के साथ भी खेलता हूँ, तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट में मैंने पिन कर दिया है। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस, मैं हूँ आपका 1V स्टार की डमर बेदी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जल्दी मिलता हूँ मैं आपको, बाय।